Dear students, welcome to this video. ये video class 7th के mathematics students के लिए है और ये जो video बनाया गया है ये chapter 11 से बनाया गया है. Chapter 11 जो आपका NCERT की mathematics book का है और वो chapter का नाम क्या है? Perimeter and area. और exercise है आपका 11.4 question number 2. बहुत ही important concept discuss किया गया है इस question में, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे, इससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी सॉल्व कर सकेंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से यहाँ पर समझ लेंगे. तो लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट्स द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम यहाँ पर. और क्वेश्चन क्या है? अ 3 मीटर वाइड पाथ, एक पाथ है, रास्ता है, runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. ये आपका question है. अब जरा देख लेते हैं, figure बना करके देख लेते हैं कि ये question exactly है क्या. ये देखिए, वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक rectangular park है जिसकी length 125 meter है और breadth 65 meter है. तो ये देखिए, ये आपके पास ये जो ए बी सी डी, ये आपके पास रेक्टेंगुलर पार्क है. इस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो 125 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 65 मीटर है. और इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर एक 3 मीटर, ये देखिए 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता, चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है. ये 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क. अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको एरिया फाइंड आउट करना है इस पाथ का, यानी ये जितना भी डॉटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में, आपको इस डॉटेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं. तो ये जो पाथ है इस पार्क के चारों तरफ, ये जो पार्क है आपका ए बी सी डी, इसके चारों तरफ ये जो पाथ है आपका, ये जो डॉटेड से दिखाई दे रहा है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हम रूल, जो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो क्या है? ये देखिए, आपका ये एक आउटसाइड में रेक्टेंगल बन रहा है पी क्यू आर एस. ये देखिए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? इसके अंदर का सारा बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसके अंदर का सारा ये जितना भी एरिया इसने इनक्लोज किया हुआ है, ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का एरिया हो गया. अब पी क्यू आर एस रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, ये वाला एरिया, ये जो अंदर ए बी सी डी का जो एरिया है, ये वाला, अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें रेड वाले एरिया में से, तो हमारे पास कौन सा एरिया बच जाएगा? हमारे पास ये डॉटेड वाला एरिया बच जाएगा. सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है. इस डॉटेड वाले पाथ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया, जो कि पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का एरिया ये पूरा का पूरा है, इसमें से आपको ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका एरिया आपको माइनस करना होगा, तब आपको ये डॉटेड वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो एक बात है वो ये है कि अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया तो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. तो अंदर वाले रेक्टेंगल का तो हमें लेंथ भी पता है और ब्रेड्थ भी पता है, तो अंदर ए बी सी डी का तो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. अब पी क्यू आर एस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? इसका लेंथ भी हमें निकालना है और इसका ब्रेड्थ भी हमें निकालना है, तो वो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा. जो इसकी लेंथ है पी क्यू, वो किसके बराबर है? ए बी प्लस ये वाला पोर्शन, ए बी प्लस ये वाला पोर्शन, ये वाला, और ये पोर्शन किसके बराबर है?
ये पोर्शन आपका सिंपली किसके बराबर है, 3 मीटर्स के बराबर है, 3 मीटर्स। ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर्स। और ये वाला पोर्शन, ये भी तो ऐड होगा, ये वाला पोर्शन भी ऐड होगा, और इस पोर्शन की विड्थ कितनी है, 3 मीटर। तो आपका ये जो पी क्यू हो गया आपका ये जो पी क्यू हो गया वो पी क्यू इनफैक्ट ये जो लेंथ है बाहर वाले रेक्टेंगल की, ये लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, आपका ए बी का लेंथ प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर। तो पी क्यू आपका क्या हो गया, ए बी की लेंथ आपकी 125 मीटर है प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 125 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 131 मीटर। तो बाहर वाली जो आपकी पी क्यू की जो लेंथ हो गई, जो आपकी पी क्यू की लेंथ हो गई वो कितनी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी 131 मीटर, 131 मीटर, ये पी क्यू की लेंथ हो गई। अब ठीक इसी तरीके से हम कौन सी लेंथ निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे ये क्यू आर, ये जो विड्थ है बाहर वाले रेक्टेंगल की, ये निकाल लेंगे क्यू आर, या फिर आप पी एस कह सकते हो। तो पी एस क्या है, अंदर वाला ये जो ए डी है ये प्लस इतना पोर्शन प्लस आपका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कितना है आपका, ये पाथ है ना, पाथ की विड्थ कितनी है, 3 मीटर, और प्लस ये अंदर वाला पोर्शन, अंदर वाले पोर्शन की विड्थ, इस वाले पोर्शन की विड्थ कितनी है, 3 मीटर। तो ये जो आपका ये पी एस जो हो जाएगा वो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, ए डी यानी कि 65 प्लस 3 प्लस 3। तो ये जो आपका पी एस है या फिर ये आपका जो क्यू आर है वो किसके बराबर हो गया, 65 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 71। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी विड्थ निकल के आ गई, बाहर वाले रेक्टेंगल की जो विड्थ निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 71 मीटर। बस यही करना था आपको। अब आप बाहर वाले रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, लेंथ 131 इंटू ब्रेथ 71, और अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया लेंथ 125 इंटू ब्रेथ 65, और दोनों एरियाज़ को निकाल के आप माइनस कर दो तो आपका एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो अंदर वाला जो पार्क है उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 125 इंटू 65, तो ये हो गया 125 इंटू 65, तो आंसर कितना आ गया आपका, 8125, और एरिया का यूनिट है इसलिए यूनिट के ऊपर मीटर स्क्वायर, तो एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। फिर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, इस रेक्टेंगल का एरिया फिर से हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका लेंथ हमने क्या निकाला था, 131, और ब्रेड्थ क्या निकाला था, 71, तो लेंथ 131 हो गया, ब्रेड्थ 71 हो गया, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 9301, और चूंकि हमने एरिया निकाला इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी पी क्यू आर एस का एरिया 9301 निकला था और ए बी सी डी का एरिया 8125 निकला था, दोनों को आप माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, 1176 मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का वर्किंग था, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट बाहर वाले रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, और वो किसकी मदद से फाइंड आउट होगा, ये जो विड्थ ऑफ पाथ है, विड्थ ऑफ पाथ को दोनों तरफ हमें ऐड करना होगा, ब्रेड्थ में भी और लेंथ में भी, हमें इस लेंथ में भी दोनों तरफ विड्थ ऑफ पाथ को ऐड करके हम बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये जो एरिया ऑफ पाथ है वो फाइंड आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ही, एंड फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू।